अगर आप मुरादाबाद शहर में कांट रोड के पास स्थित दीनदयाल नगर में एक ऐसे मकान की तलाश में जो कि पार्क फेसिंग हो, 200 मीटर में बना हुआ हो, पार्किंग का सफिशेंट एरिया हो, डबल स्टोरी बना हुआ हो, कमर्शियल और रेजिडेंशियल वैल्यू हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट गोपाल मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम प्रॉपर्टी आपके लिए ले आए हैं उसकी जो खासियत यह है, पार्क फेसिंग होने वाला है, सफिशेंट पार्किंग एरिया है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूज होने वाला है और साईं मंदिर के बहुत पास का इलाका होने वाला है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो चलिए इस मकान को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये 200 मीटर बना हुआ ये मकान है और सामने आप देखेंगे, सामने आपको आपको 9 से 12 मीटर की रोड मिल रही है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, पार्क फेसिंग ये मकान होने वाला है। डायरेक्शन इसका वेस्ट फेसिंग है और देखेंगे पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो घर के बाहर तो ऑलरेडी सफिशिएंट स्पेस है, घर के अंदर भी आपकी दो कार आराम से पार्क हो जाएंगी। तो ये हो गया बाहर का, अब हम चलते हैं मकान के अंदर। तो हालांकि मेन एंट्री इधर से, पर मैं आपको इधर जो आपका ड्राइंग रूम है इधर से एंट्री कराता हूँ। डबल डोर एंट्री होने वाली है आपकी और जब हम अंदर आते हैं तो ये आपका ड्राइंग रूम होने वाला है, काफ़ी स्पेसियस ड्राइंग रूम है। ओवरऑल पूरे मकान का स्टैंडर्ड बताऊँ मैं तो आपको जो फ्लोर है आपको आपका स्टोन वर्क पत्थर अच्छी क्वालिटी का पत्थर लगा हुआ है, वॉल्स में जो पेंट है अपडेटेड है, इसके अलावा जो आपको सीलिंग दिखाई देगी आपकी पीओपी वर्क के साथ आपको मल्टी कलर आपको सीलिंग मिल जाएगी। तो ये आपका हो गया ड्राइंग रूम और इसके बाद हम अंदर आते हैं तो ये आपका होने वाला है लॉबी एरिया। देखें काफ़ी स्पेसेस आपका लॉबी एरिया है। तो इस लॉबी एरिया में हम देखते हैं तो ये ड्राइंग रूम से बैक साइड में जो हमें लॉबी एरिया में खड़ा हूँ, मेरे पीछे आपको दो बेडरूम मिलने वाले हैं अटैच वॉशरूम के साथ, इसके अलावा एक किचन इस तरफ है और इधर एक पूजा घर का स्पेस दे रखा है प्रार्थना स्थल का, और एक रूम है आपका इस तरफ बेडरूम। तो हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं, शुरुआत करेंगे सबसे पहले किचन से। तो देखें किचन में काफ़ी स्पेस है, तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी यहाँ पर पूरी होने वाली है। कैबिनेट्स और आपका स्टोरेज के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा चिमनी यहाँ लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए, आपका एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। तो इस किचन के बाद हम देखेंगे इधर ये आपका वॉशिंग एरिया है और वॉशिंग एरिया से जब हम वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ आपको एक बेडरूम मिल रहा है और बेडरूम के अटैच में आपको एक वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम इधर अवेलेबल है। और ये है होने वाला आपका बेडरूम, काफ़ी सफिशिएंट स्पेस होने वाला है, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे विंडो और डोर अवेलेबल होने वाले हैं। और इस बेडरूम के बाद अब हम चलते हैं बेडरूम नंबर 2 में। तो ये है हमारा बेडरूम नंबर 2, सेम है, काफ़ी स्पेसेस होने वाला है और देखें इधर आपको अटैच वॉशरूम आपके यहाँ अवेलेबल है और मेरे पीछे देखेंगे आपको ये स्पेस दे रखा है। ये जो स्पेस है आपका वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ा गया है, आपको वॉशिंग एरिया भी इसको आप एरिया यूज कर सकते हैं। और मेरे ऊपर देखेंगे वेंटिलेशन के ऊपर से, क्योंकि ये मकान आपका ट्रिपल स्टोरी बना हुआ है तो आपके लास्ट रूफ तक आप देखें वेंटिलेशन का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे दिया गया है। और ये दो बेडरूम के अलावा सेम साइज का इसका जो साइज है सेम साइज का एक बेडरूम इधर भी है, हालांकि अभी ये बंद है पर साइज वगैरह सारा सेम है और इसके साथ अटैच वॉशरूम के साथ भी होने वाला है। तो ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। आपका ये जो स्पेस है यहाँ ग्लास लगा हुआ है, ये भी स्टोरेज है। तो अब हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर भी देखेंगे, हालांकि जो स्पेस है सेम है, कॉपी है, जैसे नीचे लॉबी एरिया था सेम लॉबी एरिया ये होने वाला है। और इस साइड में देखेंगे तो पूजा घर है, प्रार्थना स्थल दिया हुआ है
और इस लॉबी एरिया से कनेक्टेड हम देखते हैं तो जैसे कि मेरे नीचे कॉपी है तो उस हिसाब से यहाँ भी आपका एक एडवांस किचन होने वाला है। सारी सुख सुविधाएँ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर का आपका जो लॉबी एरिया है इसके बारे में बता दूँ, मेरे बैक साइड में आपको जैसे नीचे दो बेडरूम थे सेम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी है, और इस साइड में जो था आपका जो ड्राइंग रूम और एक बेडरूम था, ये जो स्पेस है पूरा कंबाइन करके एक इसका ऑफिस नुमा बना रखा है। तो अब हम चलते हैं यहाँ के बेडरूम नंबर वन में तो देखेंगे। ये आपका बेडरूम नंबर फर्स्ट फ्लोर का वन हो गया, काफ़ी स्पेसियस है और इसके साथ अटैच आपको वॉशरूम मिलने वाला है। और जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे वेंटिलेशन एरिया था, इधर वॉशिंग एरिया था, सेम कॉपी इधर है और सेम ही आपको जैसे नीचे आपका बेडरूम था सेम बेडरूम में आपको यहाँ मिलने वाला है। साइज जो होगा लगभग इक्वल ही है इसका। और अब हम चलते हैं ये जो आपका ड्राइंग रूम और जो बेडरूम था उसका कॉम्बो पैक यहाँ पे आपको मिलने वाला है। काफ़ी स्पेसेस है क्योंकि इसका जो जीना है आपका बाहर से दे रखा है, तो अगर फर्स्ट फ्लोर पर आप कोई ऑफिस यूज़ करना चाहें तो उसके लिए एक आइडियल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल देखेंगे। काफ़ी स्पेसेस ही होने वाला है। इसके साथ ही मेरे इस साइड में भी देखेंगे तो एक छोटा सा कैबिन बना हुआ है, ये आपका कैबिन है और यहाँ पे भी आपका जो स्टाफ है यहाँ पे रह सकता है। और इसके साथ भी अटैच है आपको कंबाइंड वॉशरूम यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। चल बाहर ही रहता हूँ। और ये जो आपका ऑफिस स्पेस है इसके बाद बाहर आते हैं तो आप देखोगे ये आपका बालकनी एरिया होने वाला है। और इसके साथ ही आपको ये जो स्पेस है ये आपका काफ़ी स्पेस दे रखा है, ग्लास वर्क आगे हो रखा है। इसके अलावा यहाँ से जीना भी दे रखा है जो कि सीधे फर्स्ट फ्लोर पे आप निकल जाओगे तो आपको जो रेजिडेंशियल यूज़ है और जो आपका कमर्शियल यूज़ होने वाला है फर्स्ट फ्लोर पे वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो यहाँ से आप सेपरेट आपका रास्ता दिया गया है। तो फर्स्ट फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। मैं आपको बता दूं सेकंड फ्लोर जो है आपका पूरा आपका कवर्ड एरिया है, हॉल पूरा बना हुआ है जिसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये देखेंगे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी आपको स्टोर के टाइप पे ये दिया हुआ है जहां पे आप अपना घर का एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। और ये अब हम आ गए हैं सेकेंड फ्लोर पे, देखेंगे पूरा एरिया कवर्ड है और पूरे हॉल बने हुए हैं। तो यहाँ अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि सेकंड फ्लोर पे आपको एक मिनी पूल मिलने वाला है, उसका अरेंजमेंट आपको बता दूँ। ये आपका टैंक है और ये जो एरिया आपका मेरे पीछे ये आपका चेंजिंग रूम होने वाला है, यहाँ पे आपका चेंज रूम है। और इधर से है आपकी एंट्री है जो पूल में आप जाके उधर चढ़ के आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपका ये मिनी पूल आपका ये होने वाला है, सारे अरेंजमेंट है यहाँ पे, वाटर इन और वाटर आउट का और फिल्टर का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। जैसे मैंने बताया था ये आपका चेंजिंग रूम है तो यहाँ थोड़ा सा टाइल का होगा, थोड़ा सा पैसा आप लगाएंगे तो इस छत पे आपका जो सेकंड फ्लोर पे आप मिनी पूल का पूरा आनंद ले सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा आपका, टाइल्स वगैरह लग रही है, फिटिंग वगैरह सारी यहाँ पे दे रखी है जैसे आप इस साइड में देखेंगे तो वाटर फिटिंग के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा पैसा लगाएंगे तो आप मिनी पूल का पूरा आनंद ले सकते हैं। और ये जो स्पेस है आपका यहाँ पे आपके 30 से 40 लोग बैठ सकते हैं और इसके अलावा एक यूज़ और हो सकता है यहाँ का, अगर आप कमर्शियल यूज़ करते हैं तो एक गेट टुगेदर पार्टी वगैरह भी यहाँ हो सकती है फंक्शन हॉल की तरह। इसके अलावा एक हॉल है यहाँ पे जिसे आप ऑफिस की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मतलब जो आपका सेकेंड फ्लोर है पूरा कवर्ड है और इसका आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी जानकारी आपको मिले और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकले, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेनिफिट आपको ये होगा जब भी आप YouTube पे आएंगे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे और आपके हाथ से अच्छी डील नहीं निकलेगी
क्योंकि मुरादाबाद शहर में दिल्ली रोड कनॉट रोड पे लो मीडियम हाई तीनों रेंज की प्रॉपर्टी को हम कवर करते हैं, तो इससे आपको आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी से आप सेल करना चाहते उसमें भी आप हमारी मदद ले सकते हैं। करना सिर्फ आपको ये आपकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, बहुत जल्द हम आपकी प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। तो आपकी प्रॉपर्टी के सेल होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि अगर आप यूट्यूब सर्च बार में या गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे प्रॉपर्टी इन मुरादाबाद तो हमारे वीडियो रैंक करते हैं, तो इस वजह से आपकी प्रॉपर्टी जल्दी सेल हो जाएगी। तो अब इस मकान की कॉस्ट बताने से पहले इस पूरे मकान को मैं समराइज कर दूँ। इसके हम लोकेशन की बात करेंगे तो दीनदयाल नगर फेज टू का ये इलाका होने वाला है, 200 मीटर में बनी हुई है तिमंजली। अगर फेसिंग की हम बात करें तो पार्क फेसिंग भी है और वेस्ट फेसिंग है, सामने आपको लगभग 12 मीटर की रोड मिलने वाली है। तो ग्राउंड फ्लोर की हम बात करें तो आपको पार्किंग के सफिशेंट एरिया मिल रहा है घर के अंदर भी और बाहर भी। एक डाइनिंग रूम के अलावा 3 बड़े बेडरूम मिल रहे हैं, सबके साथ अटैच वॉशरूम है। फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको 3 बड़े रूम ऑफिस एरिया यूज़ के लिए भी है और अटैच वॉशरूम वगैरह सारे अवेलेबल है। और जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे बड़ा सा हॉल है, एक मिनी पूल इस मकान की एक खासियत है, एक एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे देखा गया है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों यूज होने वाले हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स, अगर हम इसकी कॉस्ट की हम बात करें तो इसकी जो डिमांड है 2.5 CR इसकी कॉस्ट है, यानी 2,50,00,000 में ये मकान आपको पड़ने वाला है। ऑन टेबल नेगोशिएबल है, जो भी अगर आप जेन्यून बायर हैं और आप मीटिंग करते हैं तो जैसे कि हमेशा मेरा कमिटमेंट रहता है कि बेस्ट प्राइस हम आपको दिलाएंगे और प्रॉपर्टी क्लियर होगी, रेट जेन्यून होंगे, तो उसके लिए आप बेस्ट ऑफर के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9877-6285-05। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।